राधे राधे। कैसे हैं आप सब? तो देखिए, आज मैं सबसे पहले आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपने कमरे की डेकोरेट के लिए क्या लिया है। और सानू मेरा सो रहा है, तो मैंने सोचा यही अच्छा मौका है, मैं अपनी वीडियो जो है स्टार्ट कर लेती हूँ। तो मैंने कमरे के लिए देखिए क्या मंगाया है। जो यहाँ दीवार पर पीछे जो बटरफ्लाई वगैरह लगी थी वो मैंने सब हटा दी थी जब पेंट हो रहा था घर में, जब ये सब हटा दी थी। तो मैंने और कुछ नया मंगाया है, वो मैं आपको दिखा रही हूँ अभी। तो ये मैंने ऑनलाइन मंगाया है, मैंने पहले वैसे खोल के देख लिया था जब आया था, जब ही मंगवाया है मैंने। तो ये जो है इसमें से ये नंबर वाइज नंबर, जैसे 8 नंबर, ये जैसे नंबर वाइज नंबर दीवार पर लगाने के लिए है, जो तो आपको पता होगा। तो मैं सोच रही हूँ भी और के ये निकाल के दीवार पर, एक तो इधर कोने पे लग जाएगा और एक इधर कोने पे, इसी उससे मकसद से मैंने मंगवाए हैं ये। तो ये मंगवाए हैं मैंने कितने, एक ये रहा और एक ये, तो मैंने अभी खोल के नहीं देखा, तो मैं ये आपको खोल करके दिखा रही हूँ। सेम है ये, तो ये दोनों साइड दोनों कोनों के लिए है, बिल्कुल सेम है वही जो अभी दिखाया था मैंने। ये देखिए कुछ चिड़िया है, कुछ तितलियां हैं और यहाँ पर ये पिंजरे हैं, तो इस तरीके का है ये स्टिकर। अभी रुको बेबी, और एक और है। तो ये तीन मैंने स्टिकर मंगाए थे, ये सुंदर है, ये भी मैंने देखा था खोल के। एक छोटा है अभी, ये अभी छोटा है मम्मी, मम्मी ये चार बच्चा है ना, ये दो हैं इसी तरीके के, एक पीछे और ये सेम एक जैसे ही हैं। ये भी ऐसे ही है दीवारों के, एक इस कोने के लिए और इस कोने के लिए, बीच में आप चाहे तो कोई फोटो फ्रेम वगैरह, बेटा प्लीज थोड़ी देर दीजिए, कोई फोटो फ्रेम वगैरह लगा लो या बीच में जो भी आपको लगाना है वो लगा लिए, दोनों कोनों में ये लगा लेना है तो बहुत अच्छा सा बैकग्राउंड बन जाएगा एक। इस वजह से मैंने इनको मंगवाया, तो मेरे लिए दोनों कमरों के लिए काम आ जाएंगे, क्योंकि चार हैं कमरे में तो दो ही लगाने हैं एक में। बेकार नहीं, ये लगाने। और एक ये टेबल लैंप मंगाया था छोटा सा, ये मेरी है अभी, ये जलता है, बड़ा सुंदर लगता है, पूरे स्टार स्टार हो जाते हैं इससे। ये मेरी है अभी, ये मेरी है, सेल भी लगते हैं इसमें, और आप चाहो तो बिजली से भी जलता है, लाइट से। ये तो इसके साथ एक चार्जर केबल भी है, ये डा यहाँ लगा के अपने चार्जर में लगा लिए, तो बहुत अच्छे, मतलब बहुत अच्छा सा स्टार स्टार नजर आते हैं। तो एक ये भी मैंने मंगाया था ऐसे ही, तो भूमि और सानू बहुत खुश होते हैं इसको देख देख के। अभी नहीं बेटा, हमको लगाएंगे। इसमें दो बटन है, ये है ये कलर चेंज करने के लिए है, दोनों बटन, एक इधर और एक इधर, ये स्टिकर। और ये मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था। इसमें बस छोड़ो छोड़ो, आप हटो यहाँ से।
और मैंने अपने कमरे के लिए लिए हैं दोनों कमरों के लिए ये पर्दे। जो पहले पर्दे हैं वो थोड़े से वैसे हो रहे थे तो इनको कम समझ में आते थे, तो ये मैंने यहीं से खरीदे हैं। वाइट, ये थोड़ा सा क्रीम कलर है, डार्क बिल्कुल वाइट नहीं है, क्रीम कलर और ब्राउन कलर है, बहुत अच्छा सा कॉम्बिनेशन है। और इसमें ये देखिए कितनी अच्छी ये बबल्स जैसे बने हुए हैं, तो मुझे इससे जो है पर्दे अपने बहुत सुंदर लग रहे थे। तो ये पर्दे जो है मेरे गेटों से काफ़ी लंबे हैं, तो मैंने ऐसे 6 पर्दे लिए हुए हैं, तो मुझे भी नीचे से थोड़ा फोल्ड करना है क्योंकि ये बड़े हैं गेट, जो दरवाजे हैं उनसे थोड़े से बड़े हैं ये। और सामान जग गया है, बस सरकानी चालू, तो इनको मैं नीचे से जितना मुझे ज़रूरत है उतनी मैं फोल्ड करूँगी। तो दो को ये हैं, 4 और हैं, 6 पर्दे लिए थे इस तरीके के मैंने। अभी फिलहाल तो बस इतना ही सामान लिया है, तो मतलब पेंट हो गया तो मुझे ये थोड़ी सी सूना सूना लग रहा था, मैंने कि चलिए पहले ये भी काम अपना जो है ख़त्म कर लूँगी मैं। तो ये 8 पर्दे जो रॉड हैं पर्दों की वो थोड़ी सी ख़राब हो रही थी, तो वो भी आज सही करवानी है, तो वो भी सही होंगी और फिर मैं इनको फोल्ड करके और 8 पर्दे भी लगा दूँगी मैं अपने कमरे में। तोड़ देगा दो ये हैं, ये भी पर्दे हैं, तो ये 6 हैं, मैंने आपको बताया तो 6 पर्दे लिए थे मैंने। तो 3 मेरे इस कमरे में लग जाते हैं, एक ये छोटे वाले गेट पर, 2 और इस गेट में, और वहाँ पर 2 उस गेट के लिए चाहिए, तो मैंने इस तरीके से 6 का सेट ले लिया था। मुझे मैन तो इनमें ये चीज़ बहुत सुंदर लग रही थी, ये वाली, ये देखिए बहुत सुंदर लग रही थी और ज़्यादा महंगे भी नहीं है, गली से गली में ही आए थे बेचने वाले, तो मैंने यहीं से लिए हैं। और अभी मुझे इनको नीचे से जो है फोल्ड करूँगी, और जो पुराने पर्दे हैं उनका मुझे कुछ बनाना है, वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। ज़्यादा कुछ नहीं, जैसे ये यहाँ पर मैं कंप्यूटर के पास सारे कपड़े से रख के कीबोर्ड वगैरह रखती हूँ, तो उनके लिए मैंने सोचा कि जो पुराने वाले पर्दे हैं उनमें से उनके लिए ढकने के लिए बना दूँगी कुछ सुंदर से। तो यहाँ पर मैं बैठ गई हूँ लेकर के मशीन, क्योंकि मुझे पर्दों को करना है थोड़ा सा ऊंचा, मतलब बहुत नीचे हैं, 9 फुट वाले हैं और गेट मेरे 5-5.5 फुट के हैं, तो मुझे वो बाकी के फोल्ड कर देने हैं नीचे से। और ये छोटे छोटे से जो पुराने पर्दे थे उनमें से जो मैंने आपको बताया था कीबोर्ड और माउस में लैपटॉप वगैरह ढकने के लिए, तो ये छोटे छोटे से उसमें से बना दिए, तो अच्छा सा कॉम्बिनेशन बन जाएगा, सारी चीज़ें एक जैसी हो जाएंगी। तो फटाफट से पहले मैं यही काम कर लेती हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पर पर्दों को लगा के सेट कर रही हूँ, तो देखिए कैसा लग रहा है आप बताइए, मेरा ये वाला पर्दा और दूसरा भी मैं अभी लगा दूँगी, तो सारे अभी लगा करके आपको दिखाऊँगी, पूरे कमरे को दिखाऊँगी कि मेरा कमरा कैसा लग रहा है, पूरा डेकोरेट हो गया है। और ये देखिए पर्दे मेरे जो हैं लग गए हैं, आज मैंने ये पर्दों के जो पाइप होते हैं अंदर के वो मैंने सही करवाए थे, सही नहीं थे, इस वजह से मेरे कमरों में पर्दे आधे अधूरे रह रहे थे वो काफ़ी दिन से, तो आज ये मैंने सही करवा लिए हैं। और ये देखिए ये इसके लिए मंगवाया था, जो भी कंप्यूटर के पास छोटी मोटी चीज़ें हैं उनको मैं कवर करके रख दूँ। यहाँ पर हमारा जो लैपटॉप यूँ ही रखा रहता है, तो इसके लिए भी मैंने एक कवर सा बना दिया है। और बच्चे भी दोनों टीवी देख रहे हैं, ये काम करते करते शाम हो गई है मुझे, तो ये मैं सारा काम शाम में कर रही थी, खाना पीना बनाने के बाद पूरे काम से फ्री हो गई थी, जब मैंने कि चलिए अब कर लेते हैं, क्योंकि सानू जग गया था जब ही, पर्दे वर्दे मैंने आपको सोच जो हर चीज़ दिखाई थी, जब भी आप सानू जग गया था तो वो कुछ करने नहीं देता है। फिर भैया आ गए थे ऑफिस से, उसके बाद मैंने कि चलिए भैया पकड़ लेंगे। और इस कमरे में भी देखिए मैंने दोनों पर्दे लगा दिए हैं, तो दोनों कमरों में पर्दे लग गए हैं, और पर्दे देखिए कैसे लग रहे थे। और यहाँ पर जो मैंने ऑनलाइन जो स्टिकर टाइप के मंगाए थे वो मैं और भैया दोनों लगा रहे हैं, और इनमें बड़ी मेहनत उससे लगाने पड़े हैं, नंबर 1-1-2-2 ऐसे करके नंबर थे, इसमें नंबर वाइज नंबर लगाए हैं, लगने के बाद बहुत सुंदर लग रहा था ये, तो मैं अभी आपको दिखाऊँगी।
पहले इसको लगा लेना है। और देखिए बराबर मेहनत भूमि भी कर रही है और भैया लगे हुए हैं लगाने के लिए, क्योंकि मैं नहीं कर पाती इतना ऊंचा ये सारे काम, मैं भैया को देने लगी हुई हूँ उस पैसे हटा हटा कर। तो इतनी अच्छा सा पेड़ बनता आ रहा है एक, ये देखिए दो पिंजरे भी टंगे हुए हैं, चिड़िया भी उड़ रही हैं, बहुत सुंदर लग रहा है, बहुत सुंदर। नहीं लग नहीं रहा था कि मैं इसको स्टिकर के तरीके से चिपका रही हूँ, लग रहा है कि पेंट करवाया इसी तरीके का। और इधर भी देखिए एक फ्लावर लगा दिया है, ये भी मंगाया था मैंने। और उसके बाद अभी मैं दिखाऊंगी आपको मेरा कमरा कैसा लग रहा है, तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइए। ये देखिए पूरा कमरा हो गया है तैयार मेरा, एक अभी दूसरे कमरे को भी करना है। तो ये देखिए और ये देखिए ये रही वो स्टिकर वाली पेंटिंग, और उधर देखिए फ्लावर, यहाँ भूमि के गुड्डे उड्डे रख दिए हैं पर छोड़ेंगे नहीं, थोड़ी देर में बच्चे जो हैं गुड्डों को भी फेंक देंगे। तो आपको कैसा लगा मेरे आज का मेहनत, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। पसंद आए तो लाइक शेयर और कमेंट करिए।